फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड मास्टर में जाना है, पिक्सल ऐप पे जाना है। पिक्सल ऐप पे जाने के बाद इमेज सिलेक्ट करना है, कितना जैसे लेना है यूट्यूब थंबनेल लेके। उसके बाद फिर डबल क्लिक करके न्यू टेस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है अनुराग, जो आपका चैनल का नाम होगा। यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका फंड बड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए में आइएगा, ए में आने के बाद यहाँ देखिए फंड है, फंड लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे जाके आप कोई सा भी फंड ले लीजिए, मैम्स फंड जो है, ठीक है। ये लेने के बाद सुन लो कि हेलो, यहाँ से आप जाने के बाद फंड में दूसरा ले लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये लेने के बाद आपको कोई पसंद होगा आप ले लीजिए। स्पेसिंग आपका देना है, थोड़ा स्पेसिंग दे देना है यहाँ पर। स्पेसिंग देने के बाद और कुछ नहीं करना, ट्रांजेक्शन पर जाना है, लास्ट वाले ऑप्शन पर, लास्ट सेकेंड में उसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। उसके बाद तो देखिए यहाँ प्लस वाला आइकन है, प्लस वाला आइकन में जाने के बाद स्प्रेड करना है, सेप लेना है। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके पूरा इसको ये कर लीजिएगा, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से कलर चूज़ कर लेना है, ब्लैक लेना है। ब्लैक लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ सेलेक्ट करके इस पर दोनों को इसके आगे लेके चलाना है और दोनों को मर्ज कर देना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर दोनों मर्ज कर दीजिएगा, मर्ज हो गया। अब इसको हटा के फिर आना बीच वाले पे, बीच वाले पे आने पे आपको इरेज योर कलर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक इरेज हो गया। नहीं तो ये आपका जो बुंदा दिख रहा है यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पीने वाला जो है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक आपको सेव कर लेना है, PNG की जगह PNG लीजिएगा, ठीक है। PNG के लेने के बाद उसके बाद फिर काइंड मास्टर में आने के बाद क्रिएट लेके क्रिएट में थंबनेल साइज लेना है। उसके बाद फिर एक सेलेक्ट कर लेना है कलर ब्लैक, ठीक है। ब्लैक लेना है 7 सेकंड का, जो आपको इंट्रो बनाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, जो फिर मीडिया पे जाने के बाद जो आप आज अभी बनाए थे उसको लाके यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, जितना बड़ा भी चाहिए आपको ये रख लीजिए। अब रखने के बाद आपको जितना भी है ना हैंड राइटिंग वाला, सबको यहीं पर सेक्शन में आपको ये ब्रश है, ब्रश को अलग पेन में करना है। यहाँ से कलर को भी चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर से ऐसे करके कलर कर दीजिए, इसको एक हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। बस आगे बढ़ाने की बोल रहे हैं कि किस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ड्रो द स्केच लिखा हुआ है ना, ड्रो करने वाला। यहाँ से आधा में जैसे आएगा फिर दूसरा वो कर लेना है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद फिर दूसरा कलर लेना है। उसके बाद यहाँ से सिंपल ही सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है इसको। इसको भी एक ट्रांजेक्शन दे देना है इन इमेजेशन में। फिर यहाँ देखिए इसका आधा आ रहा है, फिर से एक लेना है दूसरा कलर, ठीक है। अभी 3 कलर ले रहा हूँ, आप जितने कलर लेना चाहते हो अपने फ्रंट में आप ले सकते हो, ठीक है, बनाने के लिए अच्छा तरीका से। ये 3 ले लिया मैंने, इसमें भी इमेजेशन डाल देता हूँ, इन इमेजेशन में ये, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली ये फर्स्ट लुक जो था ना आपका फ़ोटो जो आप पेंज, उसको 3 डॉट पर क्लिक करने में बैक टू फ्रंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिंपली कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ये भी था, ये भी इंट्रो है। और इसमें आप अच्छा से क्रिएटिव जितना कर सकते हो आप उतना अच्छे से कर